नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण पारिस्थितिकी से चैप्टर जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन एवं सम्मेलन, उससे कुछ और प्रश्नों को तैयार किया है। इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें क्या है कि जो रेड प्लस है उससे संबंधित जो भारत की पहले है उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, तो उन्हें हमें बताना है कि कौन से कथन सही है। तो पहला है कि भारत ने वर्ष 2008 में वनों का संपोषणीय प्रबंधन एवं वनीकरण तथा पुनर्वनीकरण पर UNFCCC को रिपोर्ट सौंपी। तो भारत ने 2008 में अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी थी? UNFCCC, और किससे संबंधित थी? वनों का संपोषणीय प्रबंधन और वनीकरण पर ये रिपोर्ट थी। दूसरा है, भारत ने CBD के COP 11 का आयोजन मेजबान के रूप में 2012 में किया था। तो इसने होस्ट किया था 2012 में, जो कि कॉप का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 11वां आयोजन था CBD के लिए, तो इसमें इसने होस्ट किया था। तो ये दूसरा कथन है। तीसरा है, भारत ने वर्ष 2011 नवंबर में इनका INCCA इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट का प्रकाशन किया। तो भारत ने वर्ष 2011 नवंबर में इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट का प्रकाशन किया। ये सभी कथन बिल्कुल सही है। तो ये था रेड प्लस से संबंधित भारत की जो पहल थी उसके संदर्भ में कुछ कथन थे, और सभी कथन बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2008 में वनों का संपोषणीय प्रबंधन, वनीकरण और पुनर्वनीकरण पर UNFCCC को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। भारत ने CBD के COP 11 का आयोजन मेजबान के रूप में 2012 में किया था। भारत ने 2011 नवंबर में इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट का प्रकाशन किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। तो पहला है, रेड प्लस कार्यक्रम भारत हेतु अगले तीन दशकों में 1 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण क्षमता उपलब्ध कराएगा। तो ये जो रेड प्लस कार्यक्रम है, ये भारत के लिए क्या करेगा? अगले तीन दशकों में 1 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण क्षमता उपलब्ध कराएगा। भारत को रेड प्लस के अंतर्गत $3 अरब से ज्यादा कार्बन सेवा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राप्त होगी। ये पहला कथन है। दूसरा है, रेड प्लस से प्राप्त प्रोत्साहन राशि स्थानीय समुदायों को हस्तांतरित कर दी जाएगी जो वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन में लगे हुए हैं। ये दोनों कथन है, और दोनों कथन बिल्कुल सही है। कि मतलब जो भारत को ये जो प्रोत्साहन राशि मिलेगी, भारत क्या करेगा? जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं जो कि वनों के संरक्षण और प्रबंधन में लगे हैं, उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो ये दोनों कथन थे, दोनों कथन बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेड प्लस कार्यक्रम के द्वारा भारत को 3 दशकों में 1 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण क्षमता उपलब्ध कराया जाएगा, और रेड प्लस के अंतर्गत $3 अरब से ज्यादा कार्बन सेवा प्रोत्साहन राशि के रूप में भारत को मिलेगी। और ये करेगा क्या? इस राशि का स्थानीय समुदायों में हस्तांतरित करेगा जो कि वनों के संरक्षण और प्रबंधन में लगे हुए हैं। और ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वारसा सम्मेलन के परिणाम के संदर्भ में, वारसा सम्मेलन जो हुआ था उसके परिणाम क्या हुए थे, उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, हमें बताना है कि क्या उसके परिणामों में ये शामिल है। तो देखते हैं, पहला कथन, वर्ष 2020 तक $100 अरब को गतिशील करने हेतु प्रयासों को मजबूती प्रदान करना, जो कि वर्ष 2014 से 2020 की अवधि में प्रत्येक 2 वर्ष पर दिया जाएगा। ये पहला कथन है कि जो विकसित देश है वो विकासशील देशों को, ये यही कह रहा है कि इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन तात्पर्य यही है कि जो विकसित देश है उनके ही द्वारा जो है विकासशील देशों को दिया जाएगा। तो कह रहा है कि वर्ष 2020 तक $100 अरब को गतिशील करने के लिए प्रयास करना, और उन्हें प्रयास करने को मजबूती प्रदान करना। क्यों? ताकि क्या हो कि 2014 से 2020 की अवधि में करना क्या है कि ये जो राशि दी जाएगी $100 अरब की, ये प्रत्येक 2 वर्ष पर दिया जाएगा 2014 से 2020 की अवधि में, ये दिया जाना है $100 अरब। तो ये वारसा सम्मेलन का जो परिणाम था उसका ये पहला परिणाम है। और दूसरा देखते हैं क्या है, हरित जलवायु निधि। तो ये दूसरे में था कि जो हरित जलवायु निधि, इसका क्या था, को व्यवसाय हेतु खोल दिया गया। तो जो हरित जलवायु निधि थी इसको व्यवसाय के लिए खोल दिया गया, और वर्ष 2014 से इसने कार्य करना भी शुरू कर दिया। तीसरा है, प्री 2020 एम्बिशन गैप को खत्म करके
करने हेतु प्री 2020 एम्बिशन गैप को खत्म करने हेतु सरकारों ने उपायों को मजबूती प्रदान करने पर विचार किया। तो इस सम्मेलन का यह भी एक परिणाम था कि जो प्री 2020 एम्बिशन गैप था उसको खत्म करने के लिए सरकारों ने कुछ उपायों को मजबूती प्रदान करने के लिए विचार किया। तीसरा है कि उत्तरदायित्व में प्रगति, तो ये भी एक परिणाम था कि जो उत्तरदायित्व थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसमें प्रगति करना। और अब विकासशील देशों द्वारा कटौती प्रयासों के मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन हेतु तैयार फ्रेमवर्क सक्रिय हो गया। तो उत्तरदायित्व में प्रगति जब हुई तो अब क्या हुआ कि जो विकासशील देश थे उनके द्वारा जो कटौती के प्रयास थे उसमें मापन कर और रिपोर्टिंग और उनके सत्यापन के लिए क्या हुआ, फ्रेमवर्क तैयार करने में वे सक्रिय हो गए। और एक और था कि जलवायु परिवर्तन पर कार्य हेतु, जो जलवायु परिवर्तन है उसके कार्य के लिए क्या किया गया, तकनीकी को बढ़ावा, जो पूरी तरह सक्रिय चरण की तरफ बढ़ चुका है, जिससे विकासशील देशों के कार्यों में मदद मिल सकेगी। तो ये सभी कथन है और सभी कथन बिल्कुल सही है। किससे संबंधित है, वर्ष सम्मेलन का जो परिणाम था, ये परिणाम उसके हुए कि वर्ष 2020 तक 100 अमेरिकी डॉलर को गतिशील करने हेतु प्रयासों को मजबूती प्रदान करना। और इसे दिया कैसे जाना था, 2014 से 2020 की अवधि में प्रत्येक 2 वर्ष पर दिया जाना था। दूसरा था हरित जलवायु निधि को व्यवसाय के लिए खोल दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्री 2020 एम्बिशन गैप को खत्म करने का विचार किया गया इसमें। उत्तरदायित्व में प्रगति लाई गई और जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने हेतु जो CTCN है उसको बढ़ावा देने के लिए सक्रिय चरण की तरफ बढ़ चुका था, जो उसे विकासशील देशों के कार्यों में मदद मिले, इसलिए इसे क्या किया गया कि इसको बढ़ावा दिया गया। जलवायु परिवर्तन पर कार्य हेतु जो तकनीकी है उसको बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह सक्रिय चरण की तरफ बढ़ा गया और इससे विकासशील देशों में कार्यों को मदद मिल सकेगी। तो ये सभी कथन थे और सभी कथन बिल्कुल सही है। वार्षिक सम्मेलन के परिणाम ये हुए थे और ये हमने बता दिया आपको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल एनवायरमेंट फंड फैसिलिटी। तो इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि GEF वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। तो इसके संदर्भ में कुछ कथन है, चलिए शुरू करते हैं। इसे अक्टूबर 1991 में वर्ल्ड बैंक में $1 अरब के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण की सहायता और पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा देने हेतु लाया गया। तो इसे कब लाया गया, 1991 में वर्ल्ड बैंक में $1 अरब के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या किया गया, वैश्विक पर्यावरण में संरक्षण की सहायता और पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए लाया गया। दूसरा है वर्ष 1992 में क्या हुआ था, अर्थ समिट हुआ था। तो उसमें क्या किया गया कि वर्ष 1992 अर्थ समिट के दौरान पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करने हेतु इसकी स्थापना की गई। यह वैश्विक पर्यावरण लाभ से संबंध किसी राष्ट्र द्वारा अपने हितों के लिए चलाए जाने जा रहे कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अनुदान देता है तथा प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने हेतु कंसेशन फंड भी देता है। ये दूसरा कथन है। तीसरा है UNDP, UNEP और वर्ल्ड बैंक ने प्रारंभिक सहयोगी के तौर पर GEF ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी को शुरू एवं क्रियान्वित किया तथा वर्ष 1994 में GEF की पुनर्संरचना की गई। इसे वर्ल्ड बैंक से अलग एक स्थायी स्वतंत्र संस्था बना दिया गया। तो इसे स्थायी स्वतंत्र संस्था कब बनाया गया, 1994 में। तो इसकी पुनर्संरचना की गई और उसी के बाद इसे वर्ल्ड बैंक से अलग एक स्वतंत्र स्थायी संस्था बना दिया गया। तीसरा है, अगला है कि GEF ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जैव विविधता पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन UNCBD एवं UNFCCC के लिए वित्तीय तंत्र बन गया। तो जो ये GEF है, ये जैव विविधता पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जैव विविधता पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, इसे बोले संक्षेप में तो UNCBD और UNFCCC के लिए वित्तीय तंत्र बन गया। हालांकि यह औपचारिक रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं जुड़ा, बल्कि उन देशों जिनकी अर्थव्यवस्था संक्रमण में है के प्रोटोकॉल लक्ष्य के क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करता है। तो ये चौथा कथन था।
अगला है यह रशिया पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों को ओजोन क्षरण रसायनों को हटाने हेतु तैयार कार्यक्रमों में वित्तीयन द्वारा मदद नहीं करता है। तो हमें इसमें से क्या करना है कि उपरोक्त में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से ये लास्ट वाला ही असत्य है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है ये रशिया पूर्वी यूरोप मध्य एशिया के देशों को ओजोन क्षरण रसायनों को हटाने हेतु तैयार जो कार्यक्रम किए गए हैं उनको वित्तीयन द्वारा मदद करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो नहीं करता, इसीलिए ये कथन सही है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि 1991 में ये लाया गया था वर्ल्ड बैंक में $1 अरब के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वैश्विक पर्यावरण की संरक्षण की सहायता पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए। और 1992 जो अर्थ समिट हुआ था उसी के दौरान इसकी स्थापना की गई। यह वैश्विक पर्यावरण लाभ के संबंधित जो राष्ट्र द्वारा अपने हितों से चलाए जाने वाले कार्यक्रम होते हैं उन्हें सफल बनाने के लिए अनुदान देता है, प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए कंसेशन फंड भी देता है। UNDP, UNEP और वर्ल्ड बैंक ने प्रारंभिक सहयोगी के तौर पर इसको शुरू किया है और क्रियान्वित किया है। वर्ष 1994 में इसकी पुनर्संरचना की गई और उसके बाद ही इसे वर्ल्ड बैंक से अलग करके एक स्थायी स्वतंत्र संस्था बना दिया गया। और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जैव विविधता पर यूनाइटेड कन्वेंशन UNCBD यानी और UNFCCC के लिए वित्तीय तंत्र बन गया है। हालांकि औपचारिक रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं जुड़ा है बल्कि ये उन देशों को जो अर्थव्यवस्था के संक्रमण में है उनको उनके जो ये प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके लक्ष्य में क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करता है। और ये रशिया पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों को ओजोन क्षरण रसायनों को हटाने के लिए तैयार जो कार्यक्रम उनको भी वित्तीय मदद देता है। तो ये सभी कथन थे और इसमें से यही लास्ट वाला ही गलत था, बाकी सभी कथन बिल्कुल सही है। तो हमने ये जान लिया ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में। अगले देखते हैं कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है अल्प विकसित देश निधि LDCF को UNFCCC के अंतर्गत स्थापित किया गया। अल्प विकसित देश निधि यानी LDCF को UNFCCC के अंतर्गत स्थापित किया गया जो 51 निम्न विकसित देशों की विशिष्ट जरूरतों पर ध्यान देता है। ये पहला कथन है। ये किसके बारे में? अल्प विकसित देश निधि। ये क्या करता है? ये UNFCCC के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका काम क्या है कि जो निम्न विकसित 51 देश हैं उनको उनकी विशिष्ट जरूरतों पर ध्यान देता है। दूसरा है LDCF यानी कि अल्प विकसित देश निधि। ये अकेला मौजूदा निधि है जो NAPA की तैयारी के क्रियान्वयन हेतु वित्तीयन करता है। तीसरा है SCCF विशिष्ट जलवायु परिवर्तन फंड वर्ष 2001 के कन्वेंशन के अंतर्गत स्थापित एक स्वैच्छिक निधि है जो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए चलाए कार्यक्रमों को वित्त पोषण में पूरक का कार्य करता है। चौथा है GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। UNFCCC के तहत दो अलग तरह के अनुकूलन केंद्रित फंड का प्रबंधन करता है के संदर्भ में उपरोक्त में से सत्य कथन है। तो ये जो कथन दिए गए हैं ये कह रहा है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी UNFCCC के तहत दो अलग अलग तरह के अनुकूलन केंद्रित फंड का प्रबंधन करता है। और इसी के संदर्भ में ये जो ऊपर कथन है क्या कौन से कथन सही है? तो इसमें से ये जो है सभी कथन सही है कि LDCF और SCCF ये दोनों ही कौन है? GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी
के द्वारा यूएनएफसीसी के तहत अलग अलग अनुकूलन केंद्रित फंड का ये प्रबंधन करता है, और यही दोनों ही ये एलडीसीएफ और एससीसीएफ, यही दोनों के बारे में ये कथन है, और ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। एलडीसीएफ क्या है? अल्प विकसित देश निधि है। एससीसीएफ क्या है? विशिष्ट जलवायु परिवर्तन फंड, जो कि 2001 में लाया गया था और किस 2001 में कन्वेंशन के अंतर्गत स्थापित हुआ था। ये एक स्वैच्छिक निधि तंत्र है जो एससीसीएफ है। ये जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए जो चलाए गए कार्यक्रम है उनको वित्त पोषण करने के लिए एक पूरक का कार्य करता है। एलडीसीएफ क्या करता है? ये अकेला मौजूदा निधि तंत्र जो कि नापा की तैयारी के क्रियान्वयन हेतु वित्तीयन करता है, और जो निम्न विकसित देशों की विशिष्ट जरूरतें होती है उन पर ध्यान देता है। निम्न विकसित देश 51 निम्न विकसित देशों की विशिष्ट जरूरतों पर ध्यान देता है एलडीसीएफ, अल्प विकसित देश निधि। तो ये ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के संदर्भ में यूएनएफसीसी के तहत दो अलग अलग तरह के अनुकूलन केंद्रित फंड थे, जो कि जिनका नाम है एलडीसीएफ और एससीसीएफ। उन्हें के संबंध में ये दोनों तीनों कथन थे और ये बिल्कुल सही हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, तो ये पॉप्स के बारे में बोल रहा है, 2001। दूसरा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, 2003। तीसरा है मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, 2013। तो ये सभी कथन है। बोल रहा है कि जीईएफ ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। किसको किसको किया जाता है इसमें से? तो ये अंतरराष्ट्रीय जो है कन्वेंशन है, और इन तीनों को ही जोड़ा गया कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, और ये था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। तो इन तीनों को जो है जीईएफ क्या करता है? वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। पॉप्स और यूएनसीसीटी और मिनामाटा कन्वेंशन, इन तीनों को क्या करता है? ये जो है वित्तीय सहायता देता है जीईएफ। तो अगला प्रश्न पे आते हैं। लास्ट है, निम्नलिखित में से नागोया प्रोटोकॉल क्रियान्वयन निधि के संदर्भ में सत्य कथन है। नागोया प्रोटोकॉल क्रियान्वयन निधि के संदर्भ में सत्य कथन है। तो पहला है कि नागोया प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के साथ ही वे देश जो आनुवांशिक संसाधनों एवं उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों तक न्याय संगत और समान पहुंच सुनिश्चित कराने हेतु इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है, उन्हें समर्थन देता है। ये कह रहा है कि जो नागोया प्रोटोकॉल क्रियान्वयन निधि है, ये क्या करता है कि नागोया प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षरकर्ता देश है, और साथ ही वे देश जो आनुवांशिक संसाधनों और उनके उपयोग से जो उत्पन्न लाभ होता है उनके न्याय संगत और समान पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए इस प्रोटोकॉल पे, किस प्रोटोकॉल पे, जो नागोया प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है, उन्हें भी समर्थन देता है। दूसरा है, यह अवसरों हेतु पहुंच एवं लाभ हिस्सेदारी समझौते के विकास एवं क्रियान्वयन को समर्थन देता है। ये अवसरों के लिए जो पहुंच और लाभ की हिस्सेदारी होती है, उससे जो संबंधित समझौते होते हैं उनके विकास, उनके क्रियान्वयन को समर्थन भी देता है। तीसरा है कि इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई। यह एक बहुदाता ट्रस्ट निधि है जो कई सरकारों एवं प्राइवेट सेक्टरों के स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करता है। तो ये सभी कथन थे और ये सभी कथन बिल्कुल सही है। तो हमने आज बताया, याद रखिएगा कि तीन, जो मैंने इससे पहले बताया था कि तीन अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन जिसको जीईएफ ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है क्या करता है, वित्तीय प्रदान करता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट यानी पॉप्स 2001, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी को 2003, और मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी 2013। इन तीनों को जो है क्या करता है, वित्तीय प्रदान करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और मैंने आपको बताया वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो है यानी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है वो यूएनएफसीसी के तहत दो अलग अलग तरह के अनुकूलन केंद्रित फंड का भी प्रबंधन करता है, जो कि मैंने नाम बताया एलडीसीएफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, और दूसरा था एससीसीएफ स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड
और जो ये लिस्ट लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड है ये यूएनएफसीसी के तहत के अंतर्गत है, और जो एससीसीएफ है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड ये स्वैच्छिक निधि तंत्र है। तो लिस्ट वाला जो है वो उसे बोला जाता है अल्पविकसित देश निधि, और दूसरा जो एससीसीएफ है जो विशिष्ट जलवायु परिवर्तन फंड, ये दोनों ही दोनों का ही ये जो है अनुकूलन केंद्रित फंड का प्रबंधन करता है। कौन करता है? जीईएफ यूएनएफसीसी के तहत करता है। तो ये हमने देख लिया, और हमने देखा नागोया प्रोटोकॉल क्रियान्वयन निधि जो कि 2001 में लाई गई थी, उसमें ये जो फंड ये क्या करता है अवसरों के लिए, ये फंड क्या करता है अवसरों के लिए पहुंच और लाभ हिस्सेदारी के समझौते के विकास और क्रियान्वयन को समर्थन देता है। ये बहुदाता ट्रस्ट निधि है, और ये कई सरकारों और प्राइवेट सेक्टरों में स्वैच्छिक योगदान भी प्राप्त है इसे। तो ये हमने नागोया प्रोटोकॉल क्रियान्वयन निधि के बारे में जान लिया, और हमने जान लिया ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी भी आज हमने पढ़ लिया उसके बारे में। वर्षा सम्मेलन के जो अन्य परिणाम थे जो कि मैंने बताया था, 2020 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर को गतिशील करने के प्रयासों को मजबूती प्रदान की गई। हरित जलवायु निधि को जो है क्या कर दिया गया, व्यवसाय हेतु खोल दिया गया। प्री 2020 एम्बिशन गैप को खत्म करना, उत्तरदायित्व में प्रगति और जलवायु परिवर्तन पर कार्य हेतु तकनीकी को बढ़ावा। तो ये सभी चीजें क्या थी, वार्षिक सम्मेलन के जो परिणाम थे ये पांचों परिणाम थे। इसे याद रखिएगा, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी वो बता दिया मैंने कब आया, और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के तहत किसको किसको वित्तीय प्रदान किया जाता है वो बताया मैंने आपको, और मैंने बताया जो ये जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है जिसने दो अलग तरह के अनुकूलन केंद्रित फंड का प्रबंधन किया, LDCF SCCF ये बता दिया, नागोया प्रोटोकॉल क्रियान्वयन निधि बता दिया। तो आज हमने इतनी चीजें पढ़ी। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।